Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is civilizing the natives, educating the nation. In the previous part we have studied about the Orientalist group and Anglicist group. Orientalist groups were the group of those people who believed in the old pattern of education and they supported the Indian education system. And Anglicists were the group of people who were in the favor of Western education और उन्होंने Western education implement भी कर दी थी. अब Western education for commerce, ये इसका एक subtitle है जो हम इस part में पढ़ेंगे. Education for commerce और एक the demand for moral education. Now come to the point, education for commerce. अब जब वेस्टर्न एजुकेशन वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, अब उस एजुकेशन को उन्होंने कॉमर्स से जोड़ दिया, मीन्स बिजनेस पर्पस. अब उनका पर्स्पेक्टिव मॉनेटरी बेनिफिट हो गया कि हम एजुकेशन से कैसे मॉनेटरी गेन कर सकते हैं. क्लियर? इसके लिए उन्होंने क्या किया, इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच to the Governor General in India. ये 1854 में Court of Directors of East India Company उन्होंने एक educational dispatch इंडिया के गवर्नर जनरल को भेजा. और ये एक्चुअली यहाँ से इन्होंने कह के ये डिस्पैच इशू करवाया था. इस डिस्पैच का नाम था चार्ल्स वुड डिस्पैच. ठीक है, क्यों ये डिस्पैच इशू करवाया था ये अभी मैं आपको बताऊंगी. एंड इट इज़ नोन एज द चार्ल्स वुड डिस्पैच क्योंकि इसको डिस्पैच किया था चार्ल्स वुड ने. एंड हु वॉज चार्ल्स वुड? चार्ल्स वुड वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल. वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट था. उसने इशू किया था एक डिस्पैच. डिस्पैच मीन्स द ऑर्डर. उन्होंने एक ऑर्डर यहाँ पे भेजा था गवर्नर जनरल इन इंडिया. क्यों भेजा था? अब इसका है, टू आउटलाइन द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वॉज टू बी फॉलोड इन इंडिया. जो एजुकेशनल पॉलिसीज इंडिया में फॉलो होगी उसकी एक रूपरेखा बना के उनको भेजे, आउटलाइन बना के उनको सेंड की जाए. वो डिस्पैच में ही लिखा था, आउटलाइन द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वॉज टू बी फॉलोड इन इंडिया. क्लियर? एंड इट एम्फेसाइज वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ यूरोपियन लर्निंग. इन्होंने दोबारा, मीन्स इस डिस्पैच ने दोबारा से प्रैक्टिकल लर्निंग जो इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियन ने, उसको एम्फेसाइज किया. ठीक है, उसको सपोर्ट किया. ठीक है, इट एम्फेसाइज वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ यूरोपियन लर्निंग अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज. और जो ओरिएंटल एजुकेशन थी उसका अपोज किया. सेकेंड पॉइंट क्या था? फर्स्ट तो ये हो गया. सेकेंड, इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ एजुकेशन. इकोनॉमिक एडवांटेज कैसे वो चाहते थे? बाय इंट्रोड्यूसिंग यूरोपियन वे ऑफ लाइफ वुड चेंज द टेस्ट एंड डिजायर्स. जब हम यूरोपियन लर्निंग स्टार्ट करेंगे बचपन से, तो जो बच्चों का टेस्ट है और जो डिज़ायर है वो चेंज हो जाएगा. क्योंकि बचपन से जैसे ढाला जाता है वैसे ही आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ आ जाती है. तो उनका टेस्ट और डिज़ायर चेंज हो जाएगा. एंड दिस इज़ गुड फॉर द ब्रिटिशर्स. फॉर ब्रिटिशर्स गुड, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स अपने गुड्स को यहाँ पे इंडिया में इम्पोर्ट करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा फॉर द इंडियंस ईजिली. क्योंकि उनका टेस्ट भी चेंज हो गया, वैल्यू भी चेंज हो गए, डिज़ायर भी चेंज हो गया बिकॉज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. तो वो ब्रिटिश गुड्स को भी ईजिली एक्सेप्ट कर लेंगे. तो फिर उनको मॉनेटरी बेनिफिट होगा. एंड थर्ड, इट वुड मेक दैम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट. बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन वो जो इंडियंस हैं उनको ट्रूथफुल और ऑनेस्ट बनाएंगे. क्लियर? ये उसके पीछे ब्रिटिशर्स की मंशा थी. द लिटरेचर ऑफ ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ एरर्स. इट कुड नॉट, दो बार हो गया, इट कुड नॉट क्रिएट सेंस ऑफ ड्यूटी एंड कमिटमेंट टू वर्क एंड पीपल. इन्होंने कहा जो हमारी जो ईस्टर्न एजुकेशन है
वो खाली गलतियों से ही नहीं भरी हुई, मीन्स नॉट फुल ऑफ एरर, बल्कि ये जो लोगों में जो सेंस ऑफ ड्यूटी है और कमिटमेंट टुवर्ड्स द वर्क वो भी क्रिएट नहीं करता है। तो इसलिए ईस्टर्न एजुकेशन इज यूजलेस। तो किसको इम्प्लीमेंट करना है? द वेस्टर्न एजुकेशन। समझ में आया? यस। द फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। अब डिस्पैच जो गुड्स डिस्पैच था उसके अडॉप्ट कर लिया उसने जो रिकमेंडेशन दी थी और बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे हुए इन द एजुकेशन फील्ड। नंबर वन, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट वर सेट अप टू कंट्रोल ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किए जाने लगे। किस लिए सेटअप किए जाने लगे? कि ये डिपार्टमेंट सारे के सारे मैटर्स कंट्रोल करेगा जो एजुकेशन से रिलेटेड है। मीन्स एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा दैट वॉज सेटल डाउन बाय द एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स, ये सेटअप किए जाने लग गए। नंबर टू, स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज़ जगह जगह सेटअप करने लग गए, लाइक जैसे लंदन में था उसी पैटर्न पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन या यूनिवर्सिटी सेटअप की जाने लगी। किसकी वजह से? रिकमेंडेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच। एंड नंबर थ्री, अटेम्प्ट वर मेड टू ब्रिंग चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन, और स्कूल एजुकेशन में भी चेंजेस लाने के लिए वो अटेम्प्ट करने लगे कि किसी तरह हम स्कूल एजुकेशन, क्योंकि ये तो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी की बात है, लेकिन स्कूल लेवल पे भी वो चेंजेस लाने के लिए सोचने लगे, क्योंकि अगर बचपन से ही हम चेंजेस ले आएंगे तो बड़े होने पे उनका टेस्ट वैल्यू और कल्चर इजिली ब्रिटिशर में, हम इंडिया से ब्रिटिशर में चेंज कर सकते हैं इंडियन कल्चर से। क्लियर? समझ में आया? तो ये आपको समझ में आया वो वुड्स डिस्पैच क्यों यहाँ पे लागू किया गया या वो यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एजुकेशन को मॉनेटरी बेनिफिट के साथ कंबाइन कर दिया था कि इस एजुकेशन से हमें मॉनेटरी बेनिफिट हो। मीन्स उनका पर्सपेक्टिव अब क्या हो गया था? मॉनेटरी गेन। क्लियर? समझ में आया? अब द डिमांड ऑफ मॉरल एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू देम जो यहाँ की मोरालिटी थी वो बिल्कुल नील थी, यहाँ के लोगों में कोई मॉरल नाम की चीज़ नहीं थी। देन प्रैक्टिकल एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स, ये तो हमने पढ़ा ही है। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन वॉज स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज। यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज भी उस समय आए थे एंड दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन, वो प्रैक्टिकल एजुकेशन के फेवर में नहीं थे, इसके बहुत स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज किया करते थे। दे फेल्ट हु क्रिश्चियन मिशनरीज, वो सोचते थे एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मॉरल करेक्टर ऑफ द पीपल। उन्होंने कहा एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे उनका मॉरल करेक्टर बिल्डअप हो, मॉरल करेक्टर हाई हो, ठीक है, इम्प्रूव होना चाहिए मॉरल करेक्टर, एंड मोरालिटी कुड बी इम्प्रूव्ड थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन। और जो मोरालिटी कैसे इम्प्रूव होगी? थ्रू द क्रिश्चियन एजुकेशन। तो ये लोग क्यों अपोज करते थे प्रैक्टिकल एजुकेशन का? क्योंकि उनका मानना था हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? मॉरल एजुकेशन पे। और मॉरेलिटी कैसे इम्प्रूव की जाती है लोगों में? बाय द क्रिश्चियन एजुकेशन। अंटिल 1813 द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अपोज टू मिशनरी एक्टिविटीज, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी मिशनरी एक्टिविटीज़ के फेवर में नहीं थी क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्रिटिक्स थे। तो दैट्स वाई द मिशनरी एक्टिविटीज़, दे आर मिशनरीज, दे आर अनेबल टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन इन ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज। जो ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज थी वहाँ पे ये जो मिशनरीज थे अपनी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या मिशन सेटअप नहीं कर पाए क्योंकि ब्रिटिशर्स भी उनके अगेंस्ट में थे। क्लियर? मिशनरी सेटअप अ मिशन एट सेरमपुर, बंगाल के पास सेरमपुर एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने अपना एक मिशन सेटअप किया इन एन एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी में तो वो सेटअप नहीं कर पाए, तो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में जो टेरिटरी थी बंगाल में सेरमपुर, वहाँ पे उन्होंने अपना एक मिशन सेटअप किया। क्लियर? एंड अ प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप इन 1800 और साथ साथ एक प्रिंटिंग प्रेस भी 1800 में वहाँ पे सेटअप की गई। एंड कॉलेज स्टैब्लिश्ड इन 1818 और मिशनरीज ने वहाँ पे एक कॉलेज भी सेटअप किया। ओवर अ 19th सेंचुरी मिशनरी स्कूल्स वर सेटअप ऑल ओवर इंडिया। मीन्स ओवर अ 19th सेंचुरी बहुत सारी मिशनरी स्कूल्स ओपन हो गए हमारे ऑल ओवर इंडिया में। मीन्स नंबर ऑफ मिशनरी स्कूल्स बहुत सारे हो गए इन इंडिया। ये जो हम देखते हैं ना ज़्यादा जो कॉन्वेंट स्कूल्स मिशनरी, ये सब उन्हीं की देन है, उन्होंने ही स्टार्ट किया था मिशनरीज ने। एंड उस समय उनका जोर था कि हम यहाँ का कल्चर चेंज कर दें, एंड दे ट्राई टू कन्वर्ट द हिंदू एंड मुस्लिम इनटू द क्रिश्चियनिटी, क्योंकि उनको ये लगता था कि उनको वो ऐसे प्रीचिंग देते थे कि जो हिंदू थे वो और मुस्लिम थे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं और उनका मॉरल एजुकेशन देके उनकी मोरालिटी इम्प्रूव करना चाहते थे। क्लियर? बट आफ्टर 1857 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। क्या हुआ था आपको याद होगा, द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज रिलेक्टेंट डायरेक्टली सपोर्ट मिशनरी एजुकेशन, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उनको डायरेक्टली कभी भी सपोर्ट नहीं किया मिशनरी एजुकेशन का, एजुकेशन को। इसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ था, बिकॉज वो जो राइफल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे कार्ट्रिजेस, दे हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज। हिंदू के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो थे वो हर्ट हुए थे और उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। क्लियर? तो अब मिशनरीज क्योंकि वो कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में, तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ये भी हिंदू और मुस्लिम के रिलीजियस मैटर को हर्ट कर रहे हैं, उनको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द क्रिश्चियनिटी, तो हो सकता है अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो दोबारा से कोई एक रिवोल्ट हो सकता है। इस वजह से उन्होंने आफ्टर 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज रिलेक्टेंट टू डायरेक्टली सपोर्ट मिशनरी एजुकेशन, उन्होंने उनको सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया। क्लियर बेटा? तो एक छोटा सा टॉपिक है जो हमने इसमें कवर किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर आपको समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है, देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको नए जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वो आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।